एशियन न्यूज़ के सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं गणेश अग्रवाल और आप देख रहे हैं दमोह जिले की खबरें। जिले के देहा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम इमलाई के मोहारी में रहने वाले भगवान दास पटेल के घर में उस वक्त आग लग गई जब घर में खाना बन रहा था और इस दौरान सिलेंडर के चलते भड़की आग ने विकराल रूप ले लिया और उनके मकान में भीषण आग लग गई। इस आग लगने की वजह से गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं परिजनों के मुताबिक रखे रुपए भी नष्ट हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट एशियन न्यूज़। क्या नाम है आपका? भगवान दास। क्या घटना हुई यहाँ? आग लग गई सर, सिलेंडर फटने से सड़क खराब होने। ये कैसे हुआ कोई जानकारी? खाना बनाते समय। कितना नुकसान? अब नुकसान किचन के सामान पूरे खराब हो गए। कोई हानि तो नहीं हुई? नहीं, जनहानि मतलब आदमी में कोई हानि हुई, नुकसान सामान्य नुकसान हुआ है। क्या नाम आपका? भगवान दास पटेल। क्या नाम है आपका? नीरज पटेल। कौन सा क्षेत्र है ये? जी इमलाई मोहारी। क्या घटना हो गई? यहाँ पे खाना बनाते समय सिलेंडर से आग लग गई घर में, मतलब खाना बना रहे थे तो घर में आग लग गई, सिलेंडर लीक हो गया। बर्नल के यहाँ से खोला गया था तो उसमें आग लग गई घर में, तो पूरी घर मतलब नगड़िया का था, कच्चा मकान था तो उसमें ऊपर कंडी रखे थे तो उसमें आग लग गई। कितना नुकसान हुआ हो? जी इसमें मतलब पूरे खाने बनाने का सामान जल गया है और घर में कुछ केस रखा था 50-60 हज़ार, वो भी जल गया है और पानी डाला बुझाने के लिए तो उससे नुकसान हुआ घर का पूरा। क्या नाम आपका? नीरज पटेल।